नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर चल रहे हैं जो हमारा चर्चा का विषय है, वह विषय है यूपीएचईएससी का जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का बॉटनी का प्रश्न पत्र था। हम उस बॉटनी के प्रश्न पत्र को लेकर चल रहे हैं और उसके क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन थे बॉटनी के और जीएस के, 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे, टोटल 100 क्वेश्चन थे। आज ही हमसे जुड़िए, अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज हमें कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है doctornotesbiology.in पर आप हमें लॉग इन कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अभी तक 300 प्लस मित्र ऐसे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी लेक्चरर, पीजीटी और अन्य वैकेंसियों में जीआईसी है, केवीएस एमबीएस है, डीएसएसबी है, आरपीएससी है और झारखंड के एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें कई सारे मित्र सेलेक्ट हुए हैं। लगभग 300 प्लस मित्र अभी तक सेलेक्ट हुए हैं। शुरू करते हैं अपना पेपर। तो ये हमारा जो मूल पेपर है यूपी यूपीएचएससी का, देख रहे हैं, यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का 2022 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर है। इन मित्रों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, डेटिंग कुछ मित्रों की क्लियर हो रही है, बकाया ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये मूल पेपर है और इसमें से अगर हम देखेंगे तो हमारा जीके का जो आया था पार्ट, उसमें 30 क्वेश्चन हमारे जीके के थे और बॉटनी विषय यानी विषय के क्वेश्चन 70 थे। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 100 है, ध्यान रखिएगा। और 2 घंटे का पेपर होता है, इसको भी आप देखेंगे। ये अब हम चलते हैं अपने, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जीके के क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पेपर हमारे अवेलेबल रहेगा, जैसे ही ये पेपर हम सॉल्व करा लेंगे तो ये अवेलेबल करा देंगे हम ग्रुप पर। चलिए यहाँ बॉटनी के क्वेश्चन देखते हैं। पहला 31 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज, पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन है? तो पहला ट्रांसजेनिक जो प्लांट था वो टोबैको था। आपने देखा ये सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन यूपी के जो यूपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन वहां रिपीट हुआ है। तो वो क्या है? टोबैको। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज द टोबैको, पहला ट्रांसजेनिक जो पौधा है वह हमारा कौन सा है? तंबाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योदा पावर लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, योदा पावर नियम किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? योडा पावर जो नियम है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो वो प्रदर्शित किया जाता है -3/2, अर्थात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी, अगर नंबर ऑफ पिरामिड की बात करें, संख्या का पिरामिड बात करें, तो ग्रासलैंड का कैसा होता है? तो ग्रासलैंड का पिरामिड जो होगा वो अपराइट होगा। कैसा होगा? अपराइट, ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर ऑफ फैमिली लिलिएसी आर, जो लिलिएसी का फैमिली का फ्लावर होता है वो कैसा होता है? कहता है पेंटामेरस एपिगाइनस, ट्राइमेरस एपिगाइनस और जाइगोमार्फिक या फिर ट्राइमेरस हाइपोगाइनस। तो इसका एक फार्मूला दिया गया था, HPE, हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एपिगाइनस, CCR ये दिया गया था। ये फॉर्मूले बनाए थे हमने, आप हमारी क्लासों में इन फॉर्मूलों को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्राइमेरस एंड हाइपोगाइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर मैकेनिज्म इज सीड डिस्पर्सल इज फाउंडेड, जो सेंसर मैकेनिज्म है सीड डिस्पर्सल की, वो प्रायः हमें किसमें देखने को मिलती है? सेंसर मैकेनिज्म जो है सीड डिस्पर्सल की, यानी जो बीजों का बिखराव होता है उसमें सेंसर मैकेनिज्म का किसमें देखने को मिलती है? तो पाइपर सोमनीफेरम में देखने को मिलती है, खासकर पाइपा वेरेसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है सेंसर विद द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटेंसिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, क्रिटेंसिया स्टेज प्रायः किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो क्रिटेंसिया जो स्टेज पाई जाती है वह प्रायः किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो वह क्रिटेंसिया स्टेज बैट्रकोस्पर्मम के जीवन चक्र में पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर एल्गी है, ये कैसा है? फ्रेश वाटर एल्गी है और किसका है? रोडोफाइसी का सदस्य है।
फाइसी का सदस्य है। सार्गासम किसका है? सार्गासम फियोफाइसी का है, फियोफाइसी का। पॉलीसाइफोनिया भी रोडोफाइसी का है। यूनिट यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? तो कहता है कि अगर वाटर पोटेंशियल के यूनिट की बात करें या जल विभव जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो जल विभव की इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ओव्यूल इन फाउंड इन अपुंसिया, किस प्रकार का ओव्यूल अपुंसिया में देखने को मिलता है? तो आप सबने ओव्यूल जो पढ़े होंगे, तो ओव्यूल में हम लोग आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, सरसिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ये सारे ओव्यूल पढ़ते हैं। तो नागफनी में जो ओव्यूल देखने को मिलता है वो प्रायः सरसिनोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्म एग्जाम, बहुत क्वेश्चन अपुंसिया से बनता है, तो इसको आप ध्यान में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन के अंतर्गत कहता है कितने एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। तो फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है या फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, तो वह कैसी होती है? वेस्टफुल होती है। आप सबको मालूम है वेस्टफुल होती है, उसमें कुछ भी यील्ड नहीं होता, कुछ भी बनता नहीं, सिर्फ कंज्यूम होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जीरो और जीरो, एटीपी जीरो प्राप्त होती है और एनएडीपीएच यानी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरीफॉर्म कोनिडिया इज फाउंड इन, जो म्यूरीफॉर्म कोनिडिया है वो प्रायः हमें किसमें देखने को मिलते हैं? म्यूरीफॉर्म जो कोनिडिया है फाउंड इन, तो वो प्रायः म्यूरीफॉर्म कोनिडिया हमें अल्टरनेरिया में देखने को मिलते हैं। म्यूरीफॉर्म कोनिडिया हमें किसमें देखने को मिलते हैं? अल्टरनेरियम। अल्टरनेरिया से क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। और सर्कोस्पोरा पर्सनेटा से क्या होता है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट नट होता है। कोलेट्राइकम फैल्केटम से क्या होता है? तो रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। इरास्फी पॉलीगोनी से क्या होता है? इरास्फी पॉलीगोनी से जो होता है वो पाउडरी मिल्ड भी होता है। तो हमारा ऑप्शन चूंकि जो पूछा था वो डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लिग्नोस, लिग्नोस वाज यूज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बाय, कहता है जो टर्म लिग्नोसी यूज किया गया था वो किसके द्वारा यूज किया गया था? आवृत बीजों के वर्गीकरण में लिग्नोसी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग प्रायः हचिंसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हचिंसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सीरीज ऑफ बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने जो थ्योरी क्लासेस ली, आप पेपर उठा के ये देख लीजिएगा और हमारी थ्योरी क्लासेस देख लीजिएगा, ये पेपर तो बाद में हुआ है, थ्योरी क्लासेस देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन 99% क्वेश्चन हमारी थ्योरी क्लासेस से फंसा हुआ है, इसीलिए कहते हैं आप डॉक्टर नोस बायोलॉजी को आज ही ज्वाइन करें। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन द बेंथम हुकर सिस्टम इज क्लासिफिकेशन, कितनी सीरीज पाई जाती है? तो टोटल 21 सीरीज हमें देखने को मिलती है क्लासिफिकेशन में। फिर कहता है एंथ्रोजॉइड ऑफ फर्न, फर्न के एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं? तो जो फर्न के एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो मल्टी सिलिएट होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सिलिएट। जो एंथ्रोजॉइट फर्न होते हैं या फर्न के जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सिलिएट होते हैं, कई सारे सिलिया देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, ये ऐसे बहुत सारे इसमें हमें सिलिया देखने को मिलते हैं, तो ये मल्टी सिलिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, कहता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इनमें से कौन सी है? तो सल्फर अमीनो कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात करें तो वो कौन सी है? तो मेथियोनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मेथियोनिन क्या है? सल्फर कंटेनिंग जो बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट मेड ह्यूगो डी वेरीज फेमस, वो मतलब जो ह्यूगो डी वेरीज ने क्या दिया था? तो म्यूटेशन दिया था। म्यूटेशन किसने? ऑर्निथेरा लैमार्कियाना में दिया था। तो किसमें दिया था? ऑर्निथेरा लैमार्कियाना में
ह्यूगो डिब्रीज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इसी पौधे की वजह से इनको प्रसिद्धि भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एल्नस रूट ड्यू टू द, एल्नस रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो फ्रैंकिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रैंकिया। ये क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा गया है, 2018 में आया था कोई केवीएस में, और ये सिस्टम को किसम पूछा गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द एल्नस रूट इज ड्यू टू, तो वो किससे? फ्रैंकिया। क्या है? फ्रैंकिया में देखने को मिलता है। राइजोबियम किस में देखने को मिलता है? तो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है। कोलिस्टिडियम क्या होता है? फ्री फॉर्म में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। एस्टोबैक्टर भी फ्री फॉर्म में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस किससे होता है? तो ये होता है पायरिकुलेरिया उराइजी से। तो ब्लास्ट डिजीज ऑफ जो राइस कॉज्ड बाय, तो ब्लास्ट डिजीज जो होता है पायरिकुलेरिया उराइजी से होता है ब्लास्ट डिजीज। जैंथोमोनास ओराइजी से क्या होता है? तो लीप स्पॉट होता है राइस में। हेलमेंथस ओराइजी से क्या होता है? हेलमेंथस ओराइजी से भी राइस में डिजीज होता है, एस्परजिलस से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म इन सीड डेवलप फ्रॉम, पेरिस्पर्म जो होता है सीड में वो किससे डेवलप होता है? तो वो न्यूसिलस का, पूर्ण रूप से न्यूसिलस गायब नहीं हो पाता है, उसका हिस्सा बीज में बना रहता है, उस हिस्से को हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ इंटर नोड इज फाउंड इन, किसमें देखने को मिलता है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ इंटर नोड इज फाउंड इन, किसमें देखने को मिलता है? तो ग्रासेस में देखने को मिलता है, प्रायः हमें घास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे, सॉरी, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड, ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल फाउंड इन, जो इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड जो अरेंज वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? ओमेगा सेव, तो वो साइकस के रैकिस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो वो प्राय साइकस के रैकिस में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडो एम्ब्रियो साइक इज फाउंड इन, जो झूठ मूठ का एम्ब्रियो साइक होता है वह देखने को मिलता है, तो प्राय किसमें देखने को मिलता है? तो वो पोडो स्टेमोन में हमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? पोडो स्टेमोन में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रंकल इज ड्राइव्ड फ्रॉम, क्रंकल प्राय किससे बनता है? तो क्रंकल किससे बनता है? तो क्रंकल का जो निर्माण होता है वो कॉटिलेडन से होता है। किससे होता है? कॉटिलेडन से होता है क्रंकल का निर्माण। क्रंकल क्या होता है? आपने क्रंकल अगर देखना है तो आप अंडी के बीज में इस तरह का उभार देखेंगे जिसको हम क्रंकल के नाम से जानते हैं। क्रंकल जो होता है वो ड्राइव फ्रॉम किससे बनता है? तो कॉटिलेडन से क्रंकल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जो स्टेम का पार्शियल पैरासाइट है वह कौन है? जो स्टेम का पार्शियल पैरासाइट है वह प्राय कौन है? जो स्टेम का पार्शियल पैरासाइट है वो क्या है? तो वो है हमारा, क्या है? रेफ्लेसिया या विस्कम या मोनोट्रोपा या डेंड्रोथोस। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया था वो डेंड्रोथोई को दिया था, ये डेंड्रोपथी, ऑप्शन डी को सही किया था। और इस पे आपत्ति भी लगी थी इस क्वेश्चन को लेकर, थोड़ा सा हमें लगता है इस क्वेश्चन को लेकर आपत्ति भी जताई गई थी इस क्वेश्चन को लेकर। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन पर आपत्ति प्रकट की गई थी। मैं तुम्हें अभी आपको मैं देख के बताता हूँ आपत्ति क्या गई थी। देख लीजिएगा, जो मित्र हमारे लगते हैं, हम लोग चूंकि मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, तो देखिएगा एमपी कौशिक की बुक है मॉडर्न बॉटनी की, और इसमें इसका आंसर दिया था। ये चूंकि उस समय भेजा गया था, आपत्ति लगाई गई थी, तो मैं दिखा भी रहा हूँ, आप इसको अगर देखेंगे, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो,
यहाँ एक्चुअली में चलो चलो मैं एक्चुअली में इसमें कलर सिलेक्ट नहीं होता है, कलर सिलेक्ट हो तो पेन हमारा चले। एडिट का कहीं टूल्स वगैरह आता है और हाँ ठीक है। अरे ज्यादा बड़ा हो गया, वन हिस्सा नेक्स्ट। देखिएगा तो ये पैरासाइट दिए थे, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट रूट टोटल पैरासाइट की बात हुई थी, तो इसमें से टोटल जो हमारे स्टेम पैरासाइट थे उसमें कस्कुटा आता है, जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। कस्कुटा आता है, इसको याद कर लीजिएगा, खूब पूछा जाता है। दूसरी चीज टोटल रूट पैरासाइट की अगर बात करते हैं तो उसमें ऑर्कोब्रैंकी आता है, लिख लीजिएगा ये, आप अगर ना याद हो हमने पढ़ाए हैं, आप हमारी थ्योरी क्लासेस में मिलेंगे। ऑरोब्रैंकी, ब्लैनोफोरा और रेफ्लेसिया, तो ऑरोब्रैंकी, ब्लैनोफोरा और रेफ्लेसिया तीनों को याद करके रखिएगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसपे हम लोग ने चैलेंज किया था, पार्शियल स्टेम पैरासाइट दिया। देखो ये दिया हुआ विस्कम, दिया हुआ विस्कम, विच इज द पैरासिटाइज नंबर ऑफ द सब आंट्री, ये क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। तो इसका जो आंसर था वो यही सही था और इसको चैलेंज किया गया था, मुझे याद नहीं है आयोग ने क्या किया था, तो इसका आंसर जो था वो सी सही था, विस्कम। और ये भी सही था, तो इसका आंसर या तो दोनों सही करना था या तो फिर इसको हटाना था क्वेश्चन को, मुझे याद नहीं क्या किया आयोग ने। व्हीट रस्ट स्प्रेड फ्रॉम द बारबेरी टू द व्हीट प्लांट, जो कहता है कि जो स्प्रेड होता है, ये जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, द व्हीट रस्ट स्प्रेड फ्रॉम बारबेरी टू व्हीट प्लांट, बारबेरी से व्हीट प्लांट में जाता है वो एसियो स्पोर के द्वारा जाता है, किससे जाता है, एसियो स्पोर के द्वारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइलोपोडियम इज बाउंड इन, स्टाइलोपोडियम इज बाउंड इन, स्टाइलोपोडियम बाउंड की जगह होगा फाउंड इन, फाउंड इन किस में पाया जाता है स्टाइलोपोडियम, तो आप सब जानते हैं कि स्टाइलोपोडियम हमें अम्बली फेरी फैमिली में देखने को मिलता है, अम्बली फेरी फैमिली में देखने को मिलता है, जिसे हम एपीएससी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोलिथ इज मेड अप ऑफ, सिस्टोलिथ किसके बने होते हैं, तो कैल्सियम कार्बोनेट के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कैल्सियम कार्बोनेट के सिस्टोलिथ बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैल्सियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या सही था, कैल्सियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन, मायरोसिन ग्लैंड किसमें देखने को मिलती है, जो मायरोसिन ग्लैंड है फाउंड इन किसमें देखने को मिलती है, मायरोसिन ग्लैंड, तो मायरोसिन ग्लैंड जो देखने को मिलती है वो कैपरडिलेसी फैमिली में हमें देखने को मिलती है, किसमें, कैपरडिलेसी फैमिली में मायरोसिन ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीलोमियर्स इज कंपोज्ड ऑफ, जो टीलोमियर्स है वो किसका बना होता है, तो टीलोमियर्स प्रायः किसका बना होता है अब बताएंगे, तो टीलोमियर्स प्रायः प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन और आरएनए का टीलोमियर्स बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट, विच एमंग द फॉलोइंग, क्लब मास किसे बोलते हैं, क्लब मास बोलते हैं लाइकोपोडियम को, लाइकोपोडियम को, और लाइकोपोडियम क्या है, एक टेरिडोफाइट है, ब्रो फाइट है। रेंडियर मास किसको बोलते हैं, लाइकेन को बोलते हैं। आइरिस मास किसे बोलते हैं, आइरिस मास मुझे लगता है एल्गी को बोलते हैं शायद में भी। और बॉग मास किसे बोलते हैं, स्फैग्नम को बोलते हैं, और स्फैग्नम क्या है, एक ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सेव्ड एनर्जी फ्लो मॉडल गिवन बाय, वाई सेव्ड जो एनर्जी फ्लो मॉडल है वो किसने दिया था, वाई सेव्ड ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था,
एपी ओडम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो एपी ओडम के द्वारा प्रायः वाई शेप्ड मॉडल प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक यूज्ड इन प्लांट फॉर्म, जिंक पौधे में किस रूप में प्रयुक्त होती है? तो जिंक जो प्राय प्रयुक्त होती है वो जिंक आयन के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ जूट फाइबर इज, जो जूट फाइबर का मेन कंपोनेंट होता है वह क्या होता है? तो वह होता है प्राय लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। जो मेन कंपोनेंट होता है वह लिग्निन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब साइकिल कंप्लीटेड बाय द प्रोसेस, जो क्रेब साइकिल्स होती है कंप्लीटेड इन द प्रोसेस, कौन सी साइकिल होती है? तो वो ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर सब जानते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, कहता है ग्लाइकोलिसिस के समय CO2 के कितने मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं? तो कोई भी मॉलिक्यूल CO2 का इवॉल्व नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी UPSC का पेपर था जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा था। इसका सेकेंड पार्ट दो ही पार्ट में आएगा, चूंकि हम सब्जेक्ट ही ले रहे थे, 70 क्वेश्चन थे, तो आज हमने क्वेश्चन लिए हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हमने पूरे 70 के 70 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देंगे। इसी के साथ मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।